जय जिनेंद्र, नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे महिलाओं में होने वाली एक बहुत ही कॉमन समस्या वाइट डिस्चार्ज के बारे में, जिसको हम सफेद पानी की प्रॉब्लम भी बोलते हैं। कब आप इसको एबनॉर्मल समझे, कब इसको आप नॉर्मल समझे, क्या कलर होना चाहिए, क्या कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, स्मेल से आप कैसे पता लगा सकते हैं, इवन अगर आपको क्वांटिटी से पता लगाना है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है तो कैसे पता लगा सकते हैं, किस वजह से होता है वाइट डिस्चार्ज, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन आपको कैसे मदद कर सकती है डिफरेंट टाइप के वेजनल डिस्चार्ज में रिलीफ पाने में, उसको पूरी तरह से खत्म करने में। हालांकि कुछ मात्रा में अगर आपको वाइट डिस्चार्ज होता है तो वो नॉर्मल होता है, कुछ समय ऐसा होता है जब आपको डिस्चार्ज हो रहा है तो वो बिल्कुल फेयर है, लेकिन अगर यही वाइट डिस्चार्ज कंटिन्यूस या बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होने लगता है तो जरूर उसको आपको ट्रीट करना चाहिए। इसी सब बारे में हम आज बात करेंगे, तो ये वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको इसी तरह मिलते रहें, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस रेगुलर लाती रहती हूँ। वाइट डिस्चार्ज की जो समस्या है, हमेशा समस्या नहीं होती है, कभी कभी यह हल्का फुल्का अगर होता है तो नॉर्मल भी होता है, लेकिन ज्यादा ट्रबल करने वाली कंडीशन कब आती है, जब प्यूबर्टी की एज होती है और उस समय बहुत ज्यादा हो रही है, इचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, जलन सी महसूस हो रही है, आपको आसपास दाने वगैरह हो रहे हैं तो काफी परेशान करने वाली होती है। दूसरी, जब मेनोपॉजल टाइम होता है उस टाइम पे वाइट डिस्चार्ज की समस्या बढ़ जाती है। हल्का सा होना फिजियोलॉजिकल है, वो कहीं ना कहीं आपको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, फ्रिक्शन रोकता है और आपके जो वेजाइना है वहां का जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है उसको नॉर्मल बनाए रखता है और बैड बैक्टीरिया से आपको बचाता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा होता है तब ये ट्रबल करने लगता है। अगर आप इसका कलर देखें तो आप पहचान सकते हैं काफी हद तक कि यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं है, आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है या नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कलर से की, अगर येलोइश ग्रीनिश टाइप का आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो ये वाला जो डिस्चार्ज है, चाहे आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो रही, यानी कि इचिंग बर्निंग खुजली दाने वगैरह ये सारी प्रॉब्लम नहीं भी हो रही है, रैशेस नहीं भी हो रहे हैं, तो ये वाली जो कंडीशन है इसमें आपको 100% डॉक्टर से मिलना चाहिए और इसका फुल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। रीजन ये है कि इस तरह का येलोइश डिस्चार्ज अगर वाइट डिस्चार्ज की जगह आपको हो रहा है तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस की वजह से इस तरह का डिस्चार्ज हो सकता है, इवन एसटीआई की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और अधिकतर जो इस तरह का डिस्चार्ज होता है 50% महिलाओं में एसिम्टोमेटिक होता है, तो महिलाएं सोचती कि कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, इसका हम ट्रीटमेंट नहीं लें तो भी चल जाएगा, तो जी नहीं, इसका ट्रीटमेंट आपको बिल्कुल लेना चाहिए और अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। किस वजह से हो रहा है, गोनोरिया की वजह से या किस प्रकार की डिजीज से हो रहा है, ये जरूर पता लगाना चाहिए। इसकी अगर होम्योपैथी में अगर हम बात करें तो दो मेडिसिन बहुत ज्यादा यूजफुल है इस तरह की कंडीशन में, स्पेशली जब आपको खुजली जलन बहुत ज्यादा हो रही है और बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, क्रियोसोट इस तरह की कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है। क्रियोसोट 30 दो दो बूंद करके आप दिन में 3 बार इसको ले सकते हैं, हालांकि सिम्टम वाइज और भी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। दूसरी जो मेडिसिन है मर्कसोल 30, वो भी बहुत अच्छी यूजफुल मेडिसिन है इस टाइप की कंडीशन में। मर्कसोल 30 जिस कंडीशन में यूज आती है उस समय क्या होता है, इस तरह का जो भी येलोइश ग्रीनिश आपको डिस्चार्ज हो रहा है वो रात्रि में ज्यादा होता है, और इस तरह का जब आपको डिस्चार्ज हो रहा है तो कोई खुजली कोई पेन नहीं होता है, और इस तरह की जो महिलाएं होती है उनको पसीना बहुत ज्यादा होता है और जो ये डिस्चार्ज होता है वो आपके कपड़े भी खराब कर देता है, यानी कोरोडिंग नेचर होता है इस तरह का डिस्चार्ज का। क्रियोसोट का भी सेम है कि जहां पे ये डिस्चार्ज लग रहा है वहां पे या तो छाले कर देगा या फिर अगर कपड़ों पे भी लग जाता है तो वो कपड़े बहुत जल्दी फट जाते हैं या उनपे भी एक येलोइश स्टेन छोड़ देता है। दूसरे टाइप का जो डिस्चार्ज है जिसको हम बोल सकते हैं कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ये उस कंडीशन से पता लगा सकते हैं। ये वाला जो डिस्चार्ज है वो रेडिश पिंकिश टाइप का डिस्चार्ज होता है, पीरियड आने से जस्ट पहले अगर हो रहा है तो आपको पता लग सकता है कि हाँ पीरियड आ रहा है और इस तरह का डिस्चार्ज उस कंडीशन में हम नॉर्मल मानेंगे। पीरियड जाने के बाद आपको इस तरह का डिस्चार्ज होता है,
तो पीरियड खत्म होने वाला है और आपके बच्चेदानी का जो मुंह है वो बंद हो रहा है, इसलिए इस तरह का हल्का सा डिस्चार्ज हो रहा है। एक दो दिन होता है पीरियड जाने के बाद, तो भी हम इसको नॉर्मल मानेंगे। लेकिन इसी तरह का रेडिश पिंकिश डिस्चार्ज अगर आपका मेंसेस के बीच में, यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 डेज 30 डेज, इसके बीच में अगर आपको इस तरह की डिस्चार्ज का देखना को मिल रहा है, तो आप इसको बिल्कुल भी नॉर्मल मत लीजिए। ये स्पॉटिंग है और कहीं ना कहीं आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, एंड्रोमेट्रोसिस हो सकता है, या कहीं ना कहीं आपके बच्चेदानी में सूजन हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए आप जरूर अपने डॉक्टर से मिलें। जब आपको पीरियड से पहले और बाद में हो रहा है, इस टाइम पे आपको किसी डॉक्टर से मिलने की जरूरत नहीं है और ये बिल्कुल नॉर्मल फिनोमेना है। नेक्स्ट टाइप की अगर हम डिस्चार्ज की बात करें, तो ये व्हाइट टाइप का, सफेद कलर का और दही जैसा, अंडे की जर्दी जैसा डिस्चार्ज इसको हम बोल सकते हैं। ये डिस्चार्ज अधिकतर महिलाओं में बहुत ज्यादा कॉमन होता है और अधिकतर जो महिलाएं होती है, मेरे पास तो स्पेशली जो भी महिलाएं इस टाइप के डिस्चार्ज के लिए ज्यादा आती हैं, ये भी एक तरह का जो इन्फेक्शन है ट्रीट कराने लायक है। कई बार इसमें सिम्टम्स होते हैं, इचिंग बर्निंग होती है, कभी नहीं होती है। लेकिन ये जो इन्फेक्शन है, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि यीस्ट इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, जो आपको ट्रीट कराना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसको, इस इन्फेक्शन को अगर ट्रीट नहीं कराते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ऊपर चढ़ता है और आपको आगे प्रॉब्लम कोर्स कर सकता है। यीस्ट इन्फेक्शन की होम्योपैथी में काफी अच्छी मेडिसिन है और वो उसको परमानेंटली ठीक करने में आपकी मदद करती है। इस तरह का डिस्चार्ज है वो कई बार बहुत तरह के वेजिनल, जो आप सोप्स यूज करते हैं, वेजिनल वॉश यूज करते हैं, उससे भी कई बार इस तरह का इन्फेक्शन हो जाता है। हाइजीन मेंटेन करने से भी ये चीज काफी हद तक कंट्रोल में हो जाती है। अगर आज हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। कुछ मेडिसिन से जो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं इस तरह की कंडीशन में, सेपिया है। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है और मेंसेस भी आपके इरेगुलर होते हैं, तो सेपिया 30 बहुत अच्छा काम करती है। 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपको कैल्शियम की कमी है, साथ में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है, सिर के पीछे इस एरिया में पसीना आ रहा है, या पैरों में, तलवों में आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है, मोटा थुलथुला आपका शरीर है, तो कैल्केरिया का आप 30 बहुत अच्छा काम करती है और इस तरह के डिस्चार्ज में भी मदद करती है, कैल्शियम की कमी को भी ये पूरा करती है। कुछ महिलाओं में जो इस तरह का डिस्चार्ज है, वो कैल्शियम की कमी की वजह से भी हो सकता है। हालांकि कैल्शियम की कमी की वजह से जो होने वाला डिस्चार्ज है, वो पतला दूधिया रंग का डिस्चार्ज होता है, और इस तरह का जो डिस्चार्ज होता है वो अधिकतर यीस्ट इन्फेक्शन की तरह होता है। यानी कि दही जैसा, अंडे की जर्दी जैसा जो इन्फेक्शन होता है, वो अधिकतर यीस्ट इन्फेक्शन के कारण होता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टाइप के डिस्चार्ज की, व्हाइट डिस्चार्ज की, जिसको आपको बहुत ज्यादा ध्यान में देने योग्य जो बात है। रेड पिंकिश कलर का आपको अगर डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि व्हाइट डिस्चार्ज में आपको हल्का सा रेड तार से नजर आ रहे हैं, या उसमें पिंक नेस आपको दिख रहा है, या गुलाबी पना दिख रहा है, तो वो किस टाइप की कंडीशन में हो सकता है? अधिकतर जब प्रेगनेंसी रुकने वाली होती है, या प्रेगनेंसी रुक गई होती है, स्पेशली रुक ही गई होती है, और आप अपने नेक्स्ट पीरियड की वेट कर रहे होते हैं, उस समय इस तरह का आपको डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। आप सोचते हैं कि अब पीरियड आने वाला है, लेकिन पीरियड आता नहीं है, और इसी तरह का पिंक डिस्चार्ज आके कई बार बंद भी हो जाता है। इस तरह का डिस्चार्ज है तो आप जरूर अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, कभी कभी प्रेगनेंसी में भी आपको हल्का सा कोई डिस्चार्ज देखने को मिलता है, अगर उसमें हल्का सा भी पिंकिशनेस है, तो आप उसको व्हाइट डिस्चार्ज नहीं माने। क्योंकि अधिकतर क्या होता है, प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है, उस समय भी थोड़ा सा व्हाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है महिलाओं में। अगर आपको व्हाइट टाइप का डिस्चार्ज आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर उसमें पिंकनेस है, या हल्का सा भी रेडिशनेस है, हल्का सा भी स्पॉट जो है, तो आपको आपके डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। जरूरी नहीं है, लेकिन कई बार ये मिसकैरेज भी कॉज कर सकता है, और ये अर्ली साइंस होते हैं कि कहीं ना कहीं आपको प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो सकती है अंदर, या मिसकैरेज के चांसेस हो सकती है। कई बार जो प्रेगनेंसी होती है, उसके अंदर हल्का फुल्का ब्लीडिंग होती है और बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन स्टिल आपको हल्का सा भी पिंकिशनेस पूरी प्रेगनेंसी में अगर आपको वाइट डिस्चार्ज में दिखाई देता है, तो जरूर आपको कंसल्ट करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं बिल्कुल पतले दूधिया स्राव की, बिल्कुल पतले ट्रांसपेरेंट व्हाइट डिस्चार्ज की। अगर ये आपको कभी कभी हो रहा है, स्पेशली आपको अगर हार्मोनल इम्बेलेंस है, हार्मोनल कोई डिजीज है, और आपको कभी कभी हो जाता है, हल्का फुल्का हो जाता है, स्पॉटिंग जैसा हो जाता है, मतलब व्हाइट कलर की स्पॉटिंग जैसा हो जाता है, तो नॉर्मल है। जब आपके ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, उस समय आपको डिस्चार्ज हो रहा है इस तरह का व्हाइट थोड़ा ज्यादा, प्रेगनेंसी में हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीरियड आने से पहले या पीरियड आने के बाद अगर आपको व्हाइट डिस्चार्ज थोड़ा सा होता है, तो भी नॉर्मल है।
इवन आपको पीरियड के बीच में यानी 14वें 15वें दिन जो आपके 28 दिन होते हैं उसके बीच में 14वें 15वें दिन आपको अगर हल्का सा वाइट डिस्चार्ज होता है तो भी नॉर्मल है, आपको उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत होता है उसमें आपको इचिंग बर्निंग या और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो ये सारा जो मैंने अभी आपको बताया ये वाला जो वाइट डिस्चार्ज होता है बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसमें आपको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपको पतला पानी जैसा भी डिस्चार्ज है और वो आपको इचिंग बर्निंग कहीं ना कहीं कोज कर रहा है, स्टिंगिंग सेंसेशन हो रहा है, आपको कहीं पेन हो रहा है या फिर आपको इतना ज्यादा क्वांटिटी जो है उसकी बहुत ज्यादा हो रही है तो आपको उसका जरूर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसके लिए मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगी, जैसे कि एलोमिना 30 बहुत अच्छी मेडिसिन उस समय हो जाती है जब आपका बिल्कुल पतला पानी जैसा स्राव है और इतना पतला होता है कि वो पूरा के पैरों से नीचे तक उतर जाता है। दो दो बूंद करके आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। इस तरह की कंडीशन में आपका वाइट डिस्चार्ज की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके अलावा बोविस्टा 30 उस कंडीशन में बहुत यूजफुल है जब आपको ग्रेइश टाइप का ब्लूइश टाइप का डिस्चार्ज होता है, हल्का सा उसमें आपको नीलापन दिखाई दे रहा है, ग्रेपन दिखाई दे रहा है, मतलब स्लेटी लग रहा है आपको, तो बहुत अच्छी यूजफुल मेडिसिन है। दो दो बूंद करके दिन में 3 बार ले सकते हैं आप इस मेडिसिन को। ग्रेइश टाइप का जो डिस्चार्ज होता है वो कहीं ना कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है और इसको भी आपको जरूर इसके लिए भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपको ग्रेइश टाइप का वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तो कहीं ना कहीं हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से हो सकता है। अगर बहुत क्वांटिटी में कम है तो कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन अगर क्वांटिटी ज्यादा है, इचिंग बर्निंग या आपको कोई डिस्कम्फर्ट कोज कर रहा है तो आपको जरूर डॉक्टर से मिलना चाहिए कि कहीं ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है और इसकी कहीं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। इचिंग बर्निंग स्टिंगिंग किसी भी तरह के आपको डिस्चार्ज के साथ दिखता है उसका, चाहे फिर कोई भी कलर हो, तो आपको जरूर कंसल्ट करने की जरूरत है। इसके अलावा अगर हम कुछ टिप्स की बात करें कि वाइट डिस्चार्ज को कैसे रोका जा सकता है, तो सबसे पहली चीज है कि आप आपके बॉडी में बिल्कुल भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होने दें, क्योंकि कैल्शियम डेफिशिएंसी से भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है। हाइजीन अगर आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो वो बहुत मस्ट चीज है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इन्फेक्शन होते हैं वो भी आपको वाइट डिस्चार्ज की तरफ प्रोन करते हैं। इसके अलावा जो वॉशिंग का तरीका है, आप जब प्राइवेट पार्ट्स की तरफ से सफाई करते हैं तो वो वेजाइना से एनस की तरफ होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एनस से वेजाइना की तरफ वॉश करेंगे तो कहीं ना कहीं जो इन्फेक्शन होता है वो वेजाइना की तरफ जाने के चांसेस रहते हैं और यही जो कारण होता है वो कई बार यूटीआई का भी बन जाता है, क्योंकि एनस के यहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो अलग होते हैं और वो अगर आपके यूरिन में भी जाते हैं, यूरिथ्रा में भी जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं यूटीआई कॉज करते हैं। और जब भी आप यूटीआई के टेस्ट के लिए जाते हैं तो अधिकतर वही बैक्टीरिया आपको उसमें मिलेंगे, कल्चर में वही बैक्टीरिया मिलेंगे जो स्टूल में पाए जाते हैं। तो जो वॉशिंग का तरीका है वो बहुत सही रखना जरूरी है, ना वो केवल आपको वाइट डिस्चार्ज से बचाएंगे बल्कि यूटीआई से भी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है उससे भी बचाने में आपकी मदद करते हैं। करते हैं अब कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की। गर्म पानी जैसा, दही या अंडे की जर्दी जैसा अगर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत गर्म गर्म फील होता है जब भी डिस्चार्ज होता है, तो बोरेक्स 30 ड्रग ऑफ चॉइस। दो दो बूंद करके आप दिन में 3 बार ले सकते हैं और अपनी इस तरह की समस्या से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा अगर एक स्पेसिफिक मेडिसिन की बात करें, हालांकि सिम्टम वाइज आपको मेडिसिन बिल्कुल सिलेक्ट करनी चाहिए, लेकिन ऐसी मेडिसिन जो सब मेडिसिन के साथ आप ले सकते हैं और आपके वो यूट्रस को स्ट्रेंथ देने का काम करती है, यूट्रस टॉनिक का काम करती है, उस मेडिसिन का नाम है अशोका मदर टिंचर। अशोका मदर टिंचर जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है वाइट डिस्चार्ज के लिए। किसी भी तरह का वाइट डिस्चार्ज होता है अगर आप अशोका मदर टिंचर लेते हैं तो वो हेल्पफुल होती है, वो आपको कहीं ना कहीं ताकत देने का काम करती है, यूट्रस को स्ट्रांग बनाने का काम करती है। तो इसकी आपको 10-10 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके लेनी है अगर आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, तो ये आपकी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी ठीक कर देगी। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है किसी भी तरह का है, वो चाहे पतला है, चाहे सफेद रंग का है, चाहे वो दही जैसा है, चाहे अंडे की जर्दी जैसा है, किसी भी तरह का वाइट इन्फेक्शन है, लेकिन उसके बाद आपको आसपास दाने, खुजली, इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, आपको स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, साथ में आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज भी रहती है, तो ग्रेफाइटिस 30 जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है। दो दो बूंद करके आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। येलोइशनेस अगर है आपके डिस्चार्ज में, अगर पीलापन लिए हुए है आपका डिस्चार्ज और रेशे जैसा है, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा है, तो हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर आप 10 बूंद आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम करके ले सकते हैं और अपने इस तरह के वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं।
कई बार क्या होता है, आपने बहुत सारी मेडिसिन ले ली है, चाहे होम्योपैथी है चाहे किसी भी तरह की, और आपको किसी भी मेडिसिन से बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ रहे हैं बार बार, तो किसी भी मेडिसिन का, होम्योपैथी स्पेशली होम्योपैथिक मेडिसिन का असर बढ़ाने के लिए रिकरेंटली आप इंटरकरेंट मेडिसिन, इंटरमिटेंट मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इस मेडिसिन का नाम है मेडोरिनम 200। इसको आपको वीकली सप्ताह में एक बार लेना है, दो दो बूंद करके। अगर किसी मेडिसिन का, सही सिलेक्टेड मेडिसिन का फेल होना आपने देखा है, कोई सही मेडिसिन आपका एक्शन नहीं कर पा रही है, गुड रिजल्ट नहीं दे पा रही है, तो उसको वीकली आप लीजिए। बाकी जो सही सिलेक्टेड जो भी आपको मेडिसिन आप लगती है, आपके सिम्टम वाइज आपने सिलेक्ट कर लिए, उस मेडिसिन को कंटिन्यू रखिए। आपकी जो वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है परमानेंटली खत्म हो जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी जरूर बताइएगा। इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।